दानापुर आरपीएस मोड़ के पास स्थित बालाजी होम्स के तीसरे तल में चल रहे अवैध हलका कार्यालय पर दानापुर एसडीओ प्रदीप कुमार सिंह ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे छापेमारी की। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को लगभग एक सप्ताह आरपीएस मोड़ के पास बालाजी होम्स बिल्डिंग के तीसरे तल पर एम कॉरपोरेशन हलका का अवैध कार्यालय संचालित करने की सूचना मिली थी। उसी समय से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। बता दें कि गुरुवार को डीएम के आदेश के बाद छापेमारी में पता चला कि उमेश ठाकुर और अन्य के द्वारा अवैध रूप से यह कार्यालय चलाया जा रहा है। इसमें पंकज कुमार को लैपटॉप और प्रिंटर के साथ पकड़ा गया। इस अवैध हलका कार्यालय में शुद्धि पत्र, हलका से संधारित दाखिल खारिज पंजी, साथ ही खतियान और रजिस्टर के दो दस्तावेज, जमाबंदी पंजी, दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदन, अंचल कार्यालय का सिल 14,500 रुपए नकद, साथ ही लैपटॉप और हलका से संबंधित अन्य सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए। डीएम डॉक्टर सिंह ने एम कॉरपोरेशन हलका राजस्व कर्मचारी सुनील रजक को निलंबित कर दिया है, साथ ही उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि छापेमारी के दौरान वहां काम कराने आए 4 व्यक्तियों का बयान भी लिया गया, उन्हें गवाह भी बनाया गया है। दोनों दलाल उमेश ठाकुर और पंकज ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और पंकज कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश ठाकुर को पकड़ने के लिए छापेमारी भी चल रही है। मालूम हो कि एम कॉरपोरेशन हलका दानापुर अनुमंडल के दानापुर अंचल में आता है। मकान मालिक मंटू कुमार के विरुद्ध भी गैर कानूनी कार्य को संरक्षण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरपीएस मोर स्थित बालाजी होम्स बिल्डिंग में यह अवैध हलका कार्यालय 4-5 साल से अधिक के समय से चल रहा था। जलालपुर हलका की यहां पर रसीद समेत जमीन संबंधित कार्य भी किए जाते थे। बताया जाता है कि उमेश ठाकुर 25 वर्षों से अंचल कार्यालय में अपना नेटवर्क बनाया हुआ था। प्रत्येक दिन 15 से 20 लोग जमीन संबंधित कार्य कराने यहां पर आया करते थे। उमेश ठाकुर ने करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की है और अपने परिवार के नाम पर जगदेव पथ में जमीन, मकान के साथ अभियंता नगर में भी जमीन खरीदा है। साथ ही कई लोगों को नाजायज तरीके से हलका में बहाल कराकर कार्य भी करा रहा था। थाना संख्या 22/24 इत्यादि में जमीन संबंधित कार्य करता था, बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं करता था। इससे पहले संपत चक सीओ की ओर से भी कंकर बाग के मुन्ना चक में अवैध हलका कार्यालय चलाने के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। बीते 19 नवंबर की छापेमारी में वहां भी एक दलाल को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर और दर्जनों की संख्या में दाखिल खारिज संबंधित कागजात भी जब्त किए गए थे। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।